नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लागर्थम से रिलेटेड है। देखिए, लागर्थम होता क्या है इसके बारे में हम आज समझेंगे और इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं लागर्थम। पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, लघुगुणक की क्या होती है। तो डिफिनीशन कहता है कि इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, कैसा नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, अदर देन वन, वन के अतिरिक्त, एंड यक्स, और यक्स क्या हो, यक्स इज अ रेशनल नंबर, यक्स हमारा रेशनल नंबर हो, सच दैट, तब हम वैल्यू क्या निकालेंगे, एस टी का मतलब सच दैट होता है, ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक, ए की पावर अगर एक्स है तो हमें वैल्यू एन मिलती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस एन इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये इसका लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये वाइस वर्सा होती है, दैट इज कहने का ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन अगर है तो इम्प्लाइज बाई लॉग ए बेस एन इज इक्वल टू एक्स मिल सकता है। और इसी के अगर हम रिवर्स में चलेंगे तो अगर ये दिया है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए, कोई वैल्यू अगर आपको दी गई है उसको कैसे आप लॉग में कन्वर्ट करोगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए हमें दिया है 2^4 इज इक्वल टू 16। अब इससे हमें लॉगरिथम फॉर्म बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, पहले इसकी कंपेयरिंग हम इससे करते हैं। तो जो दिया रहता है जो फॉर्म, उसी फॉर्म से उसकी हम कंपेयरिंग करते हैं। अगर ये फॉर्म दिया होता, ये निकालना होता तो इससे करते, ये दिया है ये बनाना है तो हम इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे। ठीक है, तो हम कंपेयर करके क्या निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, ए को बेस बोला जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, और एन की वैल्यू क्या है, 16 है। ठीक, इसको यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग 2 बेस 16 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लॉग की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ये देखते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। द फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, द फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एनी बेस, कोई एक बेस ले लीजिए, ठीक है, टू एनी बेस ए, वेयर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये दो क्वालिटी ए में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ बनता है वह क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है इफ एम एन आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, हमारे पास दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, देन क्या होगा, लॉग ए बेस एम इंटू एन इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसे देखते हैं। सपोज करिए जैसे आपको दिया है लॉग, कोई बेस मान लेते हैं, मैं 10 बेस पे है, और यहाँ पर हमें दिया है कोई वैल्यू, हम सपोज करते हैं ये वैल्यू हमारी है 15। ठीक, इसको कैसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस 3 प्लस लॉग 10 बेस 5।
या ये दिया है तो इससे हम ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है। इसे हम जर्नल फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, इन जर्नल क्या लिखेंगे। अब हमारे पास मान लेते हैं कि बेस हमारा ए ही है, लेकिन वैल्यू हमारे पास एम है, एन है, पी है, क्यू है, सब मल्टीपल फॉर्म में आपके दिए हैं, ठीक, मल्टीप्लिकेटिव वैल्यूज़ हैं। इनसे हम जनरल फॉर्म में अगर ओपन करेंगे तो सबको अलग अलग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन प्लस लॉग ए बेस पी प्लस लॉग ए बेस क्यू प्लस, ऐसे आता रहेगा। जितने भी नंबर हैं उनको हम अलग अलग फॉर्मों में डिफाइन कर सकते हैं लॉगरिथम में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है लॉग, यहाँ पर आपको दिया है रेशन 10 बेस पर 15 अपान 16 प्लस लॉग दिया है आपको 8 अपान 3 प्लस लॉग ऐसे दिया है 2 अपान 5। बेस सबका 10 ही है, 10 बेस को हम कॉमन सिस्टम बोलते हैं, और अगर ई बेस होता है तो उसे नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। अब ये दिया है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, अगर इनको हम देखें फार्मूले में तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको ओपन कर देते हैं। अब हम ओपन फॉर्म दिया है तो क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसको मल्टीपल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 5, कैंसिल क्या होगा, 3 5 जा 15 कैंसिल, 8 2 जा 16 कैंसिल, आया कितना लॉग 10 बेस 1, जिस की वैल्यू हमें दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो जिसका बेस 10 होता है, अब वैल्यू अगर 1 है तो 1 का हमेशा लॉगरिथम मान क्या होता है, वह जीरो होता है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। दूसरा फार्मूला इसका कहता है कि अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक हो गया तो दूसरा क्या होगा, वह डिवीजन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन से रिलेटेड फार्मूले क्या बनेंगे, वही नंबर रहते हैं और हम बना लेते हैं लॉग ए बेस एम बाई एन, ठीक। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस एम प्लस माइनस लॉग ए बेस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन वाले फॉर्म को डिफाइन करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, अगर मान लेते हैं हमें दिया है लॉग 10 बेस 12 माइनस लॉग 10 बेस 15 ये दिया है, इससे हम ये फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। लिख सकते हैं कि लॉग 10 बेस 12 अपान 15, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस 3 4 जा 3 5 जा आया 4 अपान 5। तो ये हमारा हो गया लॉग 10 बेस 4 अपान 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी डिफाइन होती है। तो हमारा मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है तो आंसर ये आ जाएगा, अगर आंसर ये दिया है तो उसको सॉल्व करके हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है। तो इस टाइप की वैल्यू जो हमें डिफाइन करवानी पड़ती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट फार्मूला कहता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं पावर से रिलेटेड वैल्यू हो, लॉग ए बेस रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग ए बेस एम लिख सकते हैं, ठीक। कैसे इसे हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि लॉग टू बेस पर आपको दिया है 16 की पावर, कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, ठीक। अब इसको हम इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4 लॉग 2 बेस 16 लिख सकते हैं, बेस कोई भी
रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो और वन ना हो और कुछ भी एनी बेसिस बता दिए ना कि एनी बेस, कोई भी बेस आप ले सकते हो और उसको लेने के बाद आप इसको डिफाइन करवाएंगे तो आपको उसका जो फॉर्म होगा वह अगर इस फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बेस हमारा ये है, अगर ये वैल्यू हमारी वन हो जाए और वन की कुछ भी पावर कर दो तो आपको पता है कि अगर वन है पावर कुछ भी करेंगे तो वही आएगा, उसका लॉगरिथम लेते हैं तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर कोई वैल्यू हमारी वन है उसका लॉगरिथम निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर कुछ वैल्यूज़ दी हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया सबको मल्टीप्लाई किए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वन आ जाती है, तो उसका लॉगरिथम हमें क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अब हमारे पास वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा हों, मान लेते हैं ए बी सी ये हमारे पास नंबर्स हैं, अब इन नंबर्स के थ्रू हमें कोई वैल्यू दी गई है जो इस प्रकार से है लॉग अपान में वन बाई ए बी बेस है और दिया है ए बी सी प्लस वन बाई लॉग बी सी बेस है, ए बी सी दिया है अपान वन बाई लॉग सी ए बेस है और ए बी सी दिया है, और अब इसकी वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो क्या निकलेगा। देखिए हम लॉग को कैसे लिख सकते हैं, लॉग अगर ए बेस एम लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन लॉग ए, बेस हम नेचुरल फॉर्म का लेते हैं चाहे हम जो है कॉमन फॉर्म का टेन का ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आपका ऊपर चला जाएगा लॉग ए बी अपॉन लॉग ए बी सी, ए बी ऐसे होगा लॉग बी सी अपॉन लॉग ए बी सी ऐसे प्लस लॉग सी ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा लॉग ए बी सी। अब बेस सबका सेम है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी प्लस लॉग बी सी प्लस लॉग सी ए अपॉन लॉग क्या होगा ए बी सी, सबका सेम है। अब आपको पता है कि अगर ये मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यस कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या आएगा लॉग इन सब का मल्टीप्लाई होगा, ए का दो बार मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर अपॉन लॉग ए बी सी। अब क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग ए बी सी होल रेज टू पावर टू अगर दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ए बी सी, टू पावर है बाहर आ गई तो क्या हो गया लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी सी, क्या कट गए आ गई वैल्यू कितनी, टू हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये टू हमें क्या मिलता है, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर से इसे एक बार समझने का प्रयास करिए कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस टाइप से दी हो तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमेशा टू आता है। क्या ए बी सी कोई भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक, अगर वो रियल नंबर हमें दिए हैं वो इस फॉर्म में हो वन बाई लॉग ए बी ए बी सी प्लस वन बाई लॉग बी सी ए बी सी प्लस वन बाई लॉग सी ए बी सी है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, टू ही आता है, टू के अतिरिक्त कोई और वैल्यू नहीं आएगी।